सरकार के साथ पांचवें दौर की वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान संगठनों के नेता, पर कहा कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कुछ मंजूर नहीं। किसानों के साथ बातचीत से पहले पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। कृषि मंत्री ने जताई आंदोलन खत्म होने की उम्मीद। दिल्ली घेरकर बैठे किसान संगठनों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। आज देश भर में पीएम मोदी और कॉरपोरेट कंपनियों के पुतले फूंकने का ऐलान। राहुल गांधी का केंद्र और बिहार सरकार पर हमला, बोले बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। ब्रिटेन के 36 सांसदों ने किया भारत के किसान आंदोलन का समर्थन। राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक राव को चिट्ठी लिखकर की भारत सरकार से बात करने की अपील, कहा ब्रिटिश, सिखों और पंजाबियों में प्रदर्शन को लेकर चिंता। हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल टीका लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट से दी जानकारी, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत दिए जाने के खिलाफ 11 दिसंबर को देश भर में एलोपैथिक डॉक्टरों की हड़ताल। 8 को होगा 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, आज फिर 24 से 27 पैसे तक का इजाफा। कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही कहे जाने पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताया ऐतराज, आंदोलन के निष्पक्ष कवरेज की दी सलाह।